नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट वन अकेडमी। 9:30 बज चुके हैं डियर, और आप जुड़ चुके हो यूपी की परीक्षा की तैयारी के लिए, जहां हम देखते हैं चाहे यूपीएसआई की बात करें, कांस्टेबल की बात करें या लेखपाल की बात करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में, देखते हैं क्या क्या होना है। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यही है कि जो टेलीग्राम चैनल और लिंक दिखाई पड़ रहा है, कई सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं पीडीएफ को लेके, क्या क्या करूं। तो बिल्कुल पीडीएफ को लेके परेशान नहीं होना है, पीडीएफ को लेके परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा, साथ ही साथ क्लास के शेड्यूल भी मिल जाएंगे, और कोई एडिशनल अगर इंफॉर्मेशन होगा तो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर हमारी आवाज पहुंच रही है जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और ये देखो बच्चों, जो आज 10 जुलाई और आज ही के दिन ये बैच शुरू हो रहा है पॉलिटी फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2020। अगर आपका सपना है कि सर बिल्कुल, क्योंकि देखो रेलवे के लिए सरकार ने बिल्कुल कान में तेल डाल, मतलब कान में तेल डालकर बिल्कुल सोई है, निश्चिंत है, चिंता ही ना, तो आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, साथ ही साथ मूव कर सकते हो एसएससी की ओर, क्योंकि एसएससी लाइन ऑफ है। सोचो मार्च में जो पेपर हुआ था सीएचएसएल का, पोस्टपोन हुआ, फिर अगस्त में डेट निकाल दी, भले एग्जाम हो ना हो कम से कम कमीशन एक्टिव है। कोरोना को लेके सरकार एहतियात बरत रही है, कमीशन एक्टिव है, लेकिन तो इसके लिए आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ कहां अकेडमी पे, जो बिल्कुल आज से कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए सवाल की बात करते हैं। गोपत ब्राह्मण इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेद? आज गोपत ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद का हिस्सा है, बताइए क्या होगा? गुड मॉर्निंग बच्चे, बताओ जरा सवाल नंबर वन। अरे पढ़ लो, काहे एडवर्टाइज के चक्कर में बोलते हो। अगर मैं आपको ना बताता कि 9:30 बजे क्लास है यहां पे यूपीएसआई को लेके, तो कैसे जानते आप, सो बता दो, इतने फ्रस्ट्रेट हो, बताओ। एक वसी नाम की कोई लड़का या लड़की जो भी, कितना फ्रस्ट्रेट है सोचो, घर का गुस्सा यहां निकालोगे। तो सर गोपत ब्राह्मण किस वेद का हिस्सा है, अथर्ववेद का? देखो कितने सवाल सही करोगे आप, देखना भाई। यजुर्वेद, सामवेद, अभी देखते जाओ कितने सवाल गलत होंगे आपके। क्या होगा? अथर्ववेद का हिस्सा है। तो सर ब्राह्मण क्या है? वेदों को समझने के लिए वेद लिखे गए थे संस्कृत में, तो वेदों को समझने के लिए बच्चे ब्राह्मण की रचना की गई थी। तो ये ब्राह्मण नोटा कास्ट, जाति मत समझना, ये जस्ट लाइक का प्रोज में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? प्रोज में लिखा हुआ था, प्रोज यानी कहानी के रूप में लिखा गया इसे। आई बात समझ में? किस रूप में लिखा गया था? कहानी के रूप में लिखा गया था। तो कहता है सर ऋग्वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण है? देखो ऐत्रेय कौशिक की, यजुर्वेद का मैत्रानी, तैत्रीय सतपथ, सामवेद का पंचवीस, षड्विस और जैमिनीय, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण। ये सवाल था आपका कि गोपत किसका ब्राह्मण है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है। सवाल नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत वंश का घर है? जल्दी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। देखो ये यूपी की कहानी है, ये जितने सारे सवाल देख रहे हो ना, यूपी की कहानी है ये, जल्दी बताओ। उमेश कुमार परचेज करने के लिए बिल्कुल आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप का होना जरूरी है, ना तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है वहां पे मैसेज करना, टेलीग्राम पे मैसेज करना,
तो कहता है सर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत वंश का घर है? हरियाणा भारत वंश का घर है। ये सोचो कैसा डायनेस्टी था, कैसा सवाल है ये यूपी गवर्नमेंट की सवाल है। यूपी जो कमीशन है, यानी चाहे वो आप एसआई की बात करें, कॉन्स्टेबल की बात करें, तो भरत वंश के घर की बात करेंगे तो हरियाणा में देखने को मिला। कहां? हरियाणा में देखने को मिला। किसने पेशावर में एक मठ स्तूप बनवाया था? हु अमंग द फॉलोइंग इरेक्टेड अ मॉनेस्ट्री स्तूपा एट पेशावर? वहां की क्षेत्रीय जो वंश की बात किया मैंने, भरत वंश वहां की क्षेत्रीय वंश है, वहां की क्षेत्रीय वंश है, रीजनल वंश है हरियाणा की। कहां की? रीजनल वंश है हरियाणा की। ठीक है, किसने पेशावर में एक मठ स्तूप बनवाया? अशोक, कनिष्क, बिंबिसार या गुप्त श्रीगुप्त? पेशावर में एक मठ की बात करेंगे कनिष्क। क्यों? क्योंकि सर कनिष्क की बात करें, पेशावर पुरुषपुर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। पेशावर पुरुषपुर में इसने अपनी राजधानी बनाई और कनिष्क के समय चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो कहां? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब जरा बताना बच्चों कि चौथी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष कौन था, अध्यक्षता किसने की? जल्दी, चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया? जल्दी, कि चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? अभी तक किसी का जवाब नहीं दिखा है। वसुमित्रा किसने की? वसुमित्र ने की, बिल्कुल याद रखना। किसने किया? वसुमित्रा ने किया। किसने किया बच्चे? वसुमित्र ने किया। कहता हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड द राजपूता एज चंदेरी इन 1528? 1528 में निम्नलिखित में से किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर? सवाल नंबर चार, जल्दी। सवाल नंबर चार, 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर? भाई ये बाबर होगा, बिल्कुल इसको ट्रिक से याद रखो। बाबर कितने युद्ध लड़े हैं भारत में? 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। चार युद्ध लड़े गए बाबर के द्वारा 26, 27, 28 और 29। तो 1526 में पानीपत का युद्ध, 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध। चार युद्ध लड़े गए हैं। कौन सा? चार युद्ध लड़ा गया। अब पानीपत के युद्ध की बात करें तो इब्राहिम लोदी को हराता है, खानवा में राणा सांगा को हराया, चंदेरी में राजपूतों को हराया, घाघरा में अफगानों को हराया। क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी? मकबरा की बात करेंगे तो कहां? मकबरा इसका काबुल में है। अब जरा बताओ शासक का नाम, चंदेरी में किस राजपूत शासक को हराया था? जल्दी, तो मेदिनी राय को। किसे हराया? मेदिनी राय को हराया था। किसे हराया? मेदिनी राय को हराया था। आगे देखिए, कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज रिटन इन प्रोज? ईसा, कथा, बृहदारण्यक या श्वेता स्वतारा? बताइए। क्या पूछ रहे भैया? जतिन राकेश कुमार जवाब देंगे, इसके बाद आप लोग जवाब देना। अपने से जवाब मत देना। कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो सर बृहदारण्यक गद्य में लिखा गया है, जबकि एकमात्र यजुर्वेद है,
यजुर्वेद है जो प्रोज और पोएट्री में लिखा गया है, और पोएट्री में यानी एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया, गद्य और पद्य में लिखा गया वो कौन है, वो यजुर्वेद है। वो कौन है, वो यजुर्वेद, याद रखना। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया यजुर्वेद, जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। किस राज्य में बाबा बुदन हिल्स स्थित है, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर लोकेटेड द बाबा बुदन हिल्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात, सवाल नंबर 6, जल्दी। उपनिषदों की संख्या 108 है, किस राज्य में बाबा बुदन हिल्स स्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, सवाल नंबर 6 क्या होगा। कर्नाटक, किस राज्य में बाबा बुदन हिल्स है, कर्नाटक है। सर बाबा बुदन ने कर्नाटक में कॉफी के बीज को लाया था, कॉफी के बीज को लेकर आए थे, इसीलिए कॉफी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको कर्नाटक में बाबा बुदन हिल्स में देखने को मिलता है, बाबा बुदन हिल्स में देखने को मिलता है। तो नाम क्यों पड़ा बाबा बुदन, क्योंकि सर प्राचीन समय में एक बाबा थे, नाम था बुदन, जिन्होंने कॉफी के बीज को लाकर कर्नाटक में लगाए थे। तो 2 से 3 सवाल बन गए, सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कहां होगा, सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कर्नाटक में होगा, पहला। और किस राज्य में, तो कर्नाटक में, याद रहेगा। चलिए, दक्षिण तलपटी द्वीप निम्न में से किस पड़ोसी के बीच एक विवादित क्षेत्र रहा है, साउथ तलपटी आइलैंड हैज बीन डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स, किस देश के बीच में, भारत और म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी बता जल्दी। हाँ मनीषा सही कह रही है, सिल्क का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कहां, कर्नाटक में, क्या बात है। दक्षिण तलपटी द्वीप की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच ही विवाद है। अच्छा जरा बताने एक सवाल और, न्यू मूर आइलैंड किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिलता है, किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिलता है, जल्दी। न्यू मूर आइलैंड किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिलता है, भारत श्रीलंका की बात करेंगे तो पाक जल संधि या कहें मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है। सर न्यू मूर आइलैंड ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवाद है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच बात करें तो सर कौन सा विवाद, गुजरात में सरक्रिक विवाद देखने को मिलता है, किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कश्मीर को छोड़ दें तो सरक्रिक कहां, ये गुजरात में स्थित है, याद रहेगा। भारत बांग्लादेश के बीच बात करें, क्या हो गया, किसको ब्लॉक करना है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। अच्छा जरा बताना मैकमोहन लाइन किसके बीच है, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है, जल्दी। जल्दी बताओ मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है, सवाल नंबर 8। ग्वांतनामो बे इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ग्वांतनामो खाड़ी किस देश में स्थित है, क्यूबा, हैती, बहामास या त्रिनिदाद और, जल्दी, चीन और भारत, बिल्कुल इंडिया और चाइना के बीच। हाँ 3 बीघा विवाद भी, बहुत बढ़िया, ढूंढ ढूंढ के निकालते हो, बिल्कुल। सर ये क्यूबा में है और यहीं पे
ग्वांतामो बे में एक बहुत बड़ी सेल है, जेल है, जो यूएसए के अंदर है, जो यूएसए के अंदर है। तो ग्वांतामो बे की बात करें, कहां ये? क्यूबा में है। संस्कृत वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है बताइए? ऐसे ऐसे सवाल पूछता भैया, काहे पूछते हो यूपीएससी सवाल? व्हाट इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन संस्कृत अल्फाबेट? 36, 48, 54 या 60? जल्दी। बताओ संस्कृत वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी? 54 है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर हैं? और इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं, इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं। सबसे कठिन लैंग्वेज माना जाता है चाइनीज, सबसे कठिन लैंग्वेज चाइनीज माना जाता है। पता कैसे लिखा जाता है? हम लोग लिखते हो ऐसे, हम लोग ऐसे लिखते हो, चाइना ऐसे लिखता है। बहुत मुश्किल है। चौरी चौरा हादसा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके अंत का मार्ग प्रशस्त करता है? सिविल डिजोबिडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह? सवाल नंबर 10। जल्दी। हिंदी में 52 है भैया, 53, 45, 54। देखो क्या हाल है, क्या हाल है। एग्जाम की तैयारी करोगे, हिंदी भी मस्ट है, पूछेगा ही। आप लोग तो विद्वान हो, इसमें कोई शक ही ना है, सबको आता है। आप लोग इतने विद्वान हो, सब आता है आपको, केवल तैयारी नहीं करते ढंग से। सर नन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा की बात करें, कहां है ये? तो आपके गोरखपुर में, आपके गोरखपुर में। बता चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा हादसा कब हुआ था, जरा बता कमेंट बॉक्स में। गोरखपुर में है ये चौरी चौरा, जहां पर एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया, जिसमें से जितने सारे पुलिसकर्मी थे बेचारे मारे गए, सारे के सारे मारे गए। तो कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922 को। कई सारे बच्चे 4 फरवरी लिखेंगे, पता ना वो कहां पढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटता है, और तब गांधी जी बारदोली गुजरात में होते हैं। कहां पर? बारदोली गुजरात में होते हैं, और बारदोली गुजरात में एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब इसी सवाल में अगर कहें सीक्वेंस में सजाने के लिए कि कौन सी घटना कब हुई थी, तो कैसे सजाएंगे? सबसे पहले सर खेड़ा सत्याग्रह 1918, फिर नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और तब जाकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यानी कितने ज्यादा सवाल देख सकते हो निकलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहते हैं, नमक सत्याग्रह कहते हैं इसे, और नमक सत्याग्रह शुरुआत कहां से? तो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ था। कहां तक? दांडी, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बारदोली की बात करें, बारदोली याद आया, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है, और यहीं पर पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी जाती है यहाँ के महिलाओं द्वारा। तो जब सवाल आता है तो महिला अगर ऑप्शन में है बारदोली की महिला, तो ठीक, ना तो फिर गांधी जी इस उपाधि को पूरे भारत में फैला देते हैं। ठीक है, पहली पैराशूट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वॉज यूज टू मेक फर्स्ट पैराशूट? रेयन, टेरलिन, कपास, रेशम। सवाल नंबर 11। जल्दी यार, जरा सब मजा आता है, सेशन को लाइक कर दो और बताओ। जल्दी सबके जवाब गलत होंगे भाई। कॉटन होगा, टूट जाएगा कॉटन धागे, सिल्क मजबूत होती है ना। तो पहली पैराशूट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? रेशम का उपयोग किया गया था। किसका? रेशम का उपयोग किया गया था, याद रखना, सिल्क का उपयोग।
दुनिया में पहला व्यवहारिक रूप से सफल पैरासूट बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रांस के नागरिक लुई सेबेस्टियन को जाता है, जिन्होंने 1783 में पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया पैरासूट बनाने में कपड़े की जगह रेशमी कपड़े का उपयोग किया, जिससे पैरासूट हल्के और मजबूत हो गए। रीजन यही है, कारण यही है कि सर सिल्क हल्का होता है और मजबूत होता है सूती के तुलना में, तो इसीलिए सिल्क का यूज किया गया है। ठीक है, और देखो ग्वांतनामो की बात करें तो वहां मैं बताना था ग्वांतनामो खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य जेल है जो ग्वांतनामो खाड़ी के भीतर क्यूबा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा धार्मिक पाठ प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा गया है? विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक या ऑल ऑफ दीज? सवाल नंबर 12, ये भी बैच बंद करवाओगे हमें लग रहा है, आते ना बच्चे। कौन सा धार्मिक पाठ प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा गया ऑल ऑफ दीज? गलत, क्या होगा? अभिधम पीटक होगा बच्चे, क्या होगा? अभिधम पीटक, यानी अभिधम पीटक में सवाल और जवाब के रूप में लिखा गया है। अभिधम पीटक में सवाल और जवाब के रूप में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, क्या होगा? अभिधम पीटक होगा। अब आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है कि सर विनय पीटक को किसने लिखा, विनय पीटक को किसने लिखा, दूसरा सूत पीटक को किसने लिखा और तीसरा अभिधम पीटक को किसने लिखा, अभिधम पीटक को किसने लिखा। अरे बस समझ में, अभिधम पीटक को किसने लिखा, तो आपका होमवर्क क्या है कि विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक को किसने लिखा और इसमें क्या चीज चर्चा की गई है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट, कहते हैं सर भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है? जल्दी, तो भारत के संविधान की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करेगा? हाईकोर्ट रिट जारी करेगा 226 से, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट 32 से, हाईकोर्ट 226 से 124 के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 214 के आधार पर क्या होगा? हाईकोर्ट की व्यवस्था, हाईकोर्ट की व्यवस्था। वैदिक भारत को किस नदी में को विपाशा कहा जाता था? वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता था? गंगा, झेलम, ब्यास, सिंधु? सवाल नंबर 14, जल्दी, किस नदी को विपाशा कहेंगे? ब्यास को विपाशा कहेंगे। फिर आपके लिए दूसरा होमवर्क, होमवर्क क्या है कि जो पंचनद है उस पंचनद में पांच नदियां हैं, पंचनद में पांच नदियों के पुराने नाम और नए नाम, पुराना नाम और नया नाम दोनों को लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कौन सा निकाय या बॉडी विज्ञान में नैतिकता के लिए एविसेना पुरस्कार देता है? नासा, यूनिसेफ, यूनेस्को, इसरो? सवाल नंबर 15, जल्दी, कौन सा बॉडी, कौन सा निकाय विज्ञान में नैतिकता के लिए एविसेना पुरस्कार देता है? यूनेस्को देगा। कौन देगा? यूनेस्को देगा। हो सवाल नंबर आपके लिए होमवर्क नेक्स्ट, होमवर्क क्या है सर? नासा की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां है? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां है? यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसरो की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां है? आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अपने 166वें सत्र में 2003 से विज्ञान में नैतिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले व्यक्तियों और समूहों को हर 2 साल में यूनेस्को अविकेना पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये था सेशन आज का, कैसा लगा सेशन जरा बताइएगा। और मैं बता दूं सर, आज से 10 जुलाई से शाम 4 से 5 में जो बैच शुरू हुआ है फाउंडेशन कोर्स, आज उसकी इंट्रोडक्शन क्लास है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो आज। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, और नहीं ले रखे हैं तो बिल्कुल सोचिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन से MTS, CHSL, CGL सारा कुछ कवर होगा, सारे सब्जेक्ट, चाहे मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश की बात करें। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।